वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप आज की वीडियो देखते हैं तो आपको एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या प्रेगनेंट हैं तो बहुत ज़रूरी बातें होती हैं जो हर महिला को पता होनी चाहिए। आपने कई ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनमें बर्थ डिफेक्ट होता है। बर्थ डिफेक्ट का मतलब जो पैदाइशी ही उनकी बनावट में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है या मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। ऐसे बच्चे क्यों हो जाते हैं जबकि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, फिर ऐसे केसेस कैसे हो जाते हैं? ये बात आपके दिमाग में कई बार आई होगी, तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि महिलाएं प्रेगनेंसी के टाइम में ऐसी कौन सी गलतियां करती हैं या प्रेगनेंसी प्लान करते समय ऐसी कौन सी गलतियाँ करती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में इस तरह के बर्थ डिफेक्ट बच्चे पैदा होते हैं या हम जिन्हें विकलांग बच्चे कहते हैं। फ्रेंड्स, हर महिला चाहती है उसका जो होने वाला बच्चा है वो तंदुरुस्त हो, हेल्दी हो और बहुत स्मार्ट हो, दिमाग से तेज हो। अगर आप भी यही चाहते हैं तो इन चीज़ों के बारे में जानकारियाँ ज़रूर होनी चाहिए। कारण यही है, जानकारी के अभाव में महिलाएं कुछ ऐसी गलतियाँ करती हैं जिनकी वजह से बच्चों में इस तरह के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा डाइट है या फिर वह पॉल्यूशन की वजह से भी इस तरह के केसेस मिलते हैं। लेकिन कुछ बर्थ डिफेक्ट हमारी गलतियों की वजह से होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये कंट्रोल करने के लिए आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बर्थ डिफेक्ट होता क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहली एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि USA में हर 33 में से एक बच्चा जन्मजात विकलांग होता है, यानी बर्थ डिफेक्ट होता है। तो वो इतनी डेवलप कंट्री है, वहाँ पर भी इस तरह के केस आते हैं। तो इंडिया तो बहुत ही गरीबी में है और बहुत सारे लोग इस तरीके के जीवन जीते हैं जिनमें कि जानकारी, जागरूकता का अभाव है और ऐसे केसेस की संख्या भी ज़्यादा होती है। तो इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी बातें हैं जिन्हें हम ध्यान रखें, ये पूरा मंथ ही इसी के लिए डेडिकेटेड है, तो इसके बारे में जानकारी जरूरी होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, उनका ध्यान अगर आप प्रेगनेंसी टाइम में रखते हैं तो आपका होने वाला बच्चा है पूरी तरीके से तंदुरुस्त और हेल्दी होता है। इसमें सबसे पहली बात यह होती है कि हमारे इंडिया में मैरिज होते ही लोग प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं या फिर बर्थ देते हैं बिना अपनी हेल्थ और डाइट या फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम को जाने। डायरेक्ट उनकी कंसीव हो जाती है और कुछ प्रॉब्लम उनको बाद में पता चलती हैं जो उनकी बॉडी में होती हैं, जिसकी वजह से बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ते हैं। कई सारे लोगों को तो क्रोनिक डिसीज भी होती हैं और उनको ये चीज़ें पता भी नहीं होती हैं। तो इसलिए सबसे पहले अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी डाइट के बारे में, क्योंकि डाइट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अगर आप कंसीव करना चाहती हैं या आपकी प्रेगनेंसी चल रही है। ऐसे में अगर आप डाइट में फॉलिक एसिड जो होता है, जिसे हम विटामिन बी कहते हैं या फॉलेट के नाम से जानते हैं, उसकी क्वांटिटी 400 मिली पर ग्राम होना इम्पोर्टेंट होती है। ये डेली का मिनिमम डोज होता है और अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है तो आपको ये लेना ही है, और डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं। इसके साथ में आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स भी आपको दी जाती हैं, तो इन्हें बिना स्किप किए आपको रेगुलर तौर पर लेनी चाहिए। अगर आपने प्रेगनेंसी प्लान की है तो ये सारी टैबलेट जो है या फिर फॉलिक एसिड जो है आपको एक महीने पहले से ही लेना शुरू कर देनी है, क्योंकि इसका मेन रोल क्या होता है, इसका मेन रोल होता है भ्रूण का विकास करना, उसके नर्वस सिस्टम को डेवलप करना। उसका नर्वस सिस्टम अगर डेवलप नहीं होता है तो ऐसे बच्चों में मानसिक रूप से विकास नहीं हो पाता है या फिर उनको बर्थ डिफेक्ट होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप एक बहुत ही बुद्धिमान बच्चा चाहते हैं तो आपको फॉलिक एसिड जरूर रेगुलर तौर पर लेनी चाहिए। वैसे तो फॉलिक एसिड जो होता है आपको नेचुरली तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी पूरी नहीं होती है, इसलिए आपको टैबलेट के रूप में मल्टीविटामिन के साथ में ये दी जाती है। तो ये फॉलेट या होता है या फिर फॉलिक एसिड जो होता है वो आप दालों से ले सकते हैं, बीन्स से ले सकते हैं, हरी सब्जियों से ले सकते हैं। तो आपकी डाइट में इन सभी चीज़ों की मात्रा जो है बढ़ा देनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंज्यूम कर पाएँ।
दूसरी चीज होती है हमारी लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में आज की हम बात करें तो आजकल की जो लाइफ स्टाइल है बहुत भागदौड़ भरी है, बहुत स्ट्रेसफुल है, क्योंकि आजकल जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है और कई सारी जॉब भी कर रही हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत सारे घर भी संभाल रही हैं, ऐसे में उन्हें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तो उनका सोने जागने का जो टाइम टेबल है वो गड़बड़ होता है और इसका बहुत ज़्यादा असर जो है आपका पड़ता है आपकी बॉडी पर। जैसे कि आप पार्टी वगैरह होती है तो ऐसे में जो आपका लाइफस्टाइल है उसमें आपका हार्मोन्स डिसबैलेंस होता है, और अगर आपका हार्मोन डिसबैलेंस है तो फिर ये भी आपकी बॉडी को प्रभावित करता है और आपके होने वाले बच्चों को प्रभावित करता है। इसके अलावा अगर अल्कोहल, सिगरेट या आप इस तरह के ड्रिंक लेते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर आपको एक घूंट भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि ये जो ड्रिंक आप लेते हैं वो आपके एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू आपके बच्चे तक पहुंचता है और जिसकी वजह से आपको जो है बच्चे को बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। तो अगर आपको ये हैबिट है सिगरेट पीने की या किसी तरह का ड्रिंक लेने की तो इसको भी आपको 4 महीने पहले पूरी तरीके से बंद कर देना है, तब आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है, इसके बाद आती है कुछ मेडिसिन। कुछ मेडिसिन अगर आपकी चल रही हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है और आपने ओवर द काउंटर बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से कोई मेडिसिन ली है या डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है जिन्हें आपने अचानक से बंद कर दिया है, तो इसकी वजह से भी जो है बर्थ डिफेक्ट बच्चे में आ सकता है। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी मेडिसिन चल रही है या आपको कोई डिसीज़ है या क्रॉनिक किसी बीमारी के कारण से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऐसी में आपको प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले अपने डॉक्टर से पूरी तरीके से परामर्श लेना है और आपकी हेल्थ प्रेगनेंसी के लिए है या नहीं है, आप तैयार हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है डॉक्टर कुछ टेस्ट के थ्रू या चेकअप के थ्रू ये पता करते हैं। अगर आप पूरी फिट होते हैं तो फिर आपकी मेडिसिन उसी हिसाब से छुड़वाई जाती हैं। मेडिसिन अचानक छोड़ने से या अचानक लेने से आपके हार्मोन जो हैं डिसबैलेंस होते हैं, इसके कारण से बर्थ डिफेक्ट बच्चे में आ जाते हैं। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान कोई मेडिसिन चल रही है या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हों उसके लिए कोई मेडिसिन चल रही है तो आप इसे अचानक से लेना शुरू करना या बंद करना ना करें, ये आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक जो होती है आपका ब्लड शुगर लेवल का पता होना। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई रहता है तो इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही आपकी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है तो ये आपके होने वाले बच्चे के लिए रिस्की होता है, इसलिए ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज के द्वारा कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो कुछ मेडिसिन भी ली जा सकती हैं। अगर आप इस चीज़ को चेक नहीं करते हैं और आपकी प्रेगनेंसी में इसके उतार चढ़ाव आते हैं, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशन पैदा करते हैं और बच्चे में भी डिफेक्ट पैदा कर सकते हैं। इसकी वजह से आपको जो है डिलीवरी प्रीमैच्योर हो सकती है या फिर बच्चे में किसी प्रकार का बदलाव हो सकता है, उसका बच्चा का जो वजन है वो कम हो सकता है, तो ये एक गलती होती है जो कि आपको नहीं करनी है और इसका पूरा ध्यान देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ओबेसिटी। आपने अक्सर देखा होगा जिन महिलाओं का वजन ज़्यादा होता है या उनका BMI ज़्यादा होता है, ऐसी महिलाओं को वजन कम करने की सलाह दी जाती है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो अपना BMI चेक कराएं और अपना वेट को मैनेज करें। अगर आपका वेट हैवी है या ज़्यादा है तो उसे कम करें, क्योंकि इसकी वजह से भी आपको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, डिलीवरी पहले हो सकती है या आपको कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपके प्रेगनेंसी के दौरान लगातार वजन बढ़ रहा है और हेल्दी वेट से ज़्यादा हो रहा है तो इसके कुछ कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो जाए या थायराइड की समस्या हो जाए या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम शुरू होने की वजह से भी आपको ये वजन जो है बढ़ता है, इसलिए इसको रेगुलर तौर पर चेक करना चाहिए और डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। तो इस कारण से भी बच्चे में बर्थ डिफेक्ट देखे गए हैं। नेक्स्ट होता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके लिए अवेयर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्री प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन कराना भी ज़रूरी होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कुछ वैक्सीन्स हैं जो आपको ज़रूर लगवाने चाहिए और आपके पार्टनर को भी, क्योंकि बच्चा होने के 1 महीने
तक बच्चे की जो है इम्यूनिटी जो बहुत ज़्यादा वीक होती है। ऐसे में अगर आप या आपका पार्टनर आपके बच्चे को लेता है तो उसको ये डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं। दूसरी बात होती है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ वैक्सीन है जो आपको जरूर लगवानी चाहिए। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो टिटनेस, डिप्थीरिया, पार्टोसिस, हेपेटाइटिस, ये सारी वैक्सीन जो है जरूर लगवानी चाहिए। चिकन पॉक्स और इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस की वजह से होने वाले रोग से बचने के लिए इन वैक्सीन का लगवाना जरूरी होता है। अगर आप इन वैक्सीन को नहीं लगवाते हैं तो इसकी वजह से बच्चे में ब्लू स्पॉट्स हो सकते हैं, इसके साथ ही बर्थ डिफेक्ट का खतरा जो है बढ़ जाता है। ब्लू पिंक वैक्सीन जो है आपकी जो लास्ट 3 मंथ के पहले लगवानी चाहिए। कुछ वैक्सीन हैं जो आपको प्रेगनेंसी प्लान होने के पहले ही लगवा लेनी चाहिए, जिसका टाइम होता है 1 से 2 महीने पहले आपको ये सारी वैक्सीन जो है लगवा लेनी चाहिए, ताकि इन वैक्सीन का असर आपकी बॉडी पे अच्छे से हो सके। तो ये सभी चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले आपको तैयार कर लेनी है, या फिर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो भी आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसके कारण से बच्चे में किसी तरह का कोई बर्थ डिफेक्ट ना हो और बच्चा अच्छा हेल्दी तंदुरुस्त पैदा हो। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।